प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के अनौद उपखंड में एसपी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। अनौद थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट डकैती के मामले में थाना सालमगढ़ अनौद के अंदर दर्ज प्रकरणों में दिलीप काफी समय से फरार चल रहा था। इसको ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि दिलीप अपने घर के आसपास में है। सूचना को पुख्ता करते हुए हिंगलाज क्षेत्र से दिलीप मीणा को घेरा देकर देर शाम पकड़ा गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के अनौद उपखंड में एसपी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। अनौद थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट डकैती के मामले में थाना सालमगढ़ अनौद के अंदर दर्ज प्रकरणों में दिलीप काफी समय से फरार चल रहा था। इसको ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि दिलीप अपने घर के आसपास में है। सूचना को पुख्ता करते हुए हिंगलाज क्षेत्र से दिलीप मीणा को घेरा देकर देर शाम पकड़ा गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के अनौद उपखंड में एसपी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। अनौद थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट डकैती के मामले में थाना सालमगढ़ अनौद के अंदर दर्ज प्रकरणों में दिलीप काफी समय से फरार चल रहा था। इसको ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि दिलीप अपने घर के आसपास में है। सूचना को पुख्ता करते हुए हिंगलाज क्षेत्र से दिलीप मीणा को घेरा देकर देर शाम पकड़ा गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के अनौद उपखंड में एसपी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। अनौद थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट डकैती के मामले में थाना सालमगढ़ अनौद के अंदर दर्ज प्रकरणों में दिलीप काफी समय से फरार चल रहा था। इसको ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि दिलीप अपने घर के आसपास में है। सूचना को पुख्ता करते हुए हिंगलाज क्षेत्र से दिलीप मीणा को घेरा देकर देर शाम पकड़ा गया। टाइम 8 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।